हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड इन द लर्नर्स टूअर्ड्स अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर प्री डिटरमाइंड। इट इज़ ए रिलेशनशिप अमंग थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग ये एक प्रोसेस है जो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड डेवलप करने में आपको हेल्प करता है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज डेवलप करने में, स्किल डेवलप करने में आपको फैसिलिट किया जाता है। फैसिलिटेटिंग मतलब आपको सब तरह की हेल्प किया जाता है ताकि आप इजीली अब सीख पाओ। इट इज़ ए रिलेशनशिप अमंग थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। टीचिंग में ये थ्री इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। टीचिंग में टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट चाहिए एंड पढ़ाने के जो सब्जेक्ट मैटर ये चाहिए। इट इज़ नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस एज मैनी ऑफ यू माइट थिंक। इट इज़ ए ह्यूमन प्रोसेस एंड ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। टीचिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड एक्टिविटी व्हिच रिक्वायर्स द टीचर टू juggle multiple tasks and goals simultaneously and flexibly. It is the complex art of guiding the learners through a variety of experiences to attain certain goals. It is complex because it deals with human behavior. Therefore, different factors influence teaching learning transaction. Different educators and scholars have defined teaching in different ways, some of which are as the following. Kuch educators and scholar ne टीचिंग का डेफिनेशन दिया है, जिनमें से जॉन ब्रूबचर एक है, बूटन एक है, जो एससी एनुअल डिफाइन एक है। अकॉर्डिंग टू बूटन, टीचिंग इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। टीचिंग क्या है, टीचिंग में आपको स्टिमुलेट किया जाता है, आपको गाइडेंस दिया जाता है, एक डायरेक्शन दिया जाता है और लर्निंग के लिए आपको एनकरेजमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ये बूटन जी ने बताया कि टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। जो एससी एनुअल डिफाइन टीचिंग एज ए प्रोसेस बाय व्हिच टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट ए शेयर्ड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स व्हिच इन टर्न कलर देयर व्यू ऑफ रियलिटी। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट एक शेयर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स भी होता है, इन व्हिच टर्न कलर देयर व्यू ऑफ रियलिटी। थस यू कैन सी दैट टीचिंग इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट, मैनिपुलेशन, स्टिमुलेशन एंड गाइडेंस व्हिच फाइनली लीड टू क्रिएशन ऑफ ए शेयर एनवायरनमेंट टू अचीव सम predetermined objectives. Thus, teaching ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अरेंजमेंट इन्वॉल्व होता है, मैनिपुलेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, गाइडेंस इन्वॉल्व होता है, which finally lead to creation of a shared environment to achieve some predetermined objectives. Teaching के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल का मीन क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल means certain rules and regulation or basis which help in making a process efficient and effective. Principle का मतलब होता है कुछ rules होते हैं, regulation होते हैं और basis होते हैं जो एक process को efficient and effective बनाने में मदद करते हैं। General principle of teaching, कुछ principle होते हैं teaching के। The principle of teaching which are general in nature are discussed in this section. Number one, principle of linking with real life. According to this principle,
टीचिंग शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द लर्नर्स रियल लाइफ. लर्निंग शुड बी लिंक विद द लाइफ ऑफ द लर्नर्स. इट कैन बी डन बाई गिविंग कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इन द रियल लाइफ, इम्प्लीकेटिंग द लर्निंग टू रियल लाइफ एंड सो ऑन. प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद रियल लाइफ. टीचिंग इस तरह होना चाहिए कि जो आप कंटेंट आप पढ़ाया जाए ये कंटेंट रियल लाइफ के साथ कुछ मिल हो सके, रियल लाइफ में का उनको एग्जांपल देके समझाया जा सके. प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद रियल लाइफ यही बोलता है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो या पढ़ाओ ये उसको रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ को समझाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, तब जाके आप उसका रियल टीचिंग होगा. प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बीइंग ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी. टीचिंग अलाउज डिमांड्स प्लानिंग. प्लानिंग मेक्स द वे रोड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स क्लियर. इट इज ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द चैलेंजेस and prepare accordingly. Well planned teaching allows result in good learning. देखिए planning एक ऐसा activity है किसी भी काम को success में convert करने के लिए आपको planning की ज़रूरत है. ठीक इस तरह teaching में भी अगर आप planning करके पढ़ाओगे, planning करके teacher पढ़ाएंगे तब teaching success होने का chance ज़्यादा रहता है और जो objective है वो इजीली मिलता है. प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिडिटी इज हार्मफुल फॉर अ गुड टीचर. द प्लान ऑफ लेसन मस्ट प्रोवाइड स्कोप टू मेक नेसेसरी चेंजेस व्हेनेवर एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड. टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल टू मीट द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इफ एनी इन द क्लासरूम. टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड से एक ही टेक्निक से कुछ कंटेंट पढ़ाया जाए, कुछ पार्ट पढ़ाया जाए. पढ़ाने का स्टाइल में, मेथड में, टेक्निक में, स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तब जाके स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकते हैं. रिजिडिटी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है. तो अगर पढ़ाई में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तब स्टूडेंट इजीली समझ सकते हैं. अगर एक मेथड से नहीं समझ पाए तो दूसरा मेथड से समझ सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. द मटेरियल सिलेक्टेड फॉर टीचिंग शुड बी अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू ग्रेड, नेचर ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट. राइट सिलेक्शन प्रोसीजर द डिजायर्ड रिजल्ट. दिस बेनिफिट्स बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट. कुछ पढ़ाने में जब जाएंगे शिक्षक टीचर तब आप कौन सा मटेरियल से पढ़ाना चाहते हो ये आपको चूज करना है. द मटेरियल सिलेक्टेड फॉर टीचिंग शुड बी अप्रोप्रिएट विथ रेफरेंस टू ग्रेड, नेचर ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट. स्टूडेंट किस तरह है, उनका ग्रेड किस तरह है, उनका नेचर किस तरह है, सब्जेक्ट किस तरह कैसा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए आपको एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल सिलेक्ट करना है. राइट सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड डिजायर्ड रिजल्ट. आपको जो सिलेक्शन करना है राइट होना चाहिए तब जाके आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.